बच्चों में उत्साह हमने देखा और पढ़ने की जो प्रेरणा देखी, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कहा इस चीज को और आगे बढ़ाना चाहिए। अब छात्रावास तो बन गया, छात्रवृत्ति तो उनको मिलती है, तो छात्रवृत्ति का लाभ तो उनको मिल रहा है, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, अनुसूचित जनजाति के हों, अति पिछड़े वर्ग के हों, अल्पसंख्यक समाज के हों, छात्र हों, छात्राएं हों, छात्रवृत्ति का लाभ तो उनको मिलता है। लेकिन आम तौर पर ज्यादातर परिवार में गरीबी की स्थिति, तो सिर्फ छात्रवृत्ति की रकम से वो आगे पढ़ पाएंगे ऐसा संभव नहीं, तो उनके अभिभावकों को इसके लिए पैसा लगाना पड़ता है। तो वैसी ही स्थिति में हम लोगों ने सोचा कि आखिरकार गरीब गुरबा लोगों को अपने बच्चों को भेजना है तो छात्रावास की सुविधा तो होगी, छात्रवृत्ति मिल रही है और छात्रावास में रहने के लिए उनको कई प्रकार की सुविधाएं भी दी गई, पढ़ाई भी गई है सुविधाएं, यानी उनके भोजन को बनाने के लिए व्यक्ति चाहिए, कई चीजें की गई उनके रहने के लिए, उसको कॉट चाहिए, तो ये सब किया गया, पढ़ने के लिए कुर्सी चाहिए, टेबल चाहिए, ये सब इंतजाम किया गया। लेकिन एक बात हम लोगों ने जो सोचा वो लगा कि भाई इसके बाद भी उन लोगों की स्थिति ठीक है, इसलिए हम जो अपने आवासीय छात्रावास स्कूल बना रहे हैं, छात्रावास उसके साथ बना रहे हैं, और जो दूसरे छात्रावास ऐसे बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो हम लोगों को चाहिए अलग से भी वैसे छात्र छात्राओं को मदद करना। तो हम लोगों ने वही तय किया कि 1,000 रुपया प्रति माह की सहायता राशि उनको हम लोग देंगे। और जब केंद्र से बात हुई तो ये बात हुई कि साहब जो ऐसे छात्रावासों में जो बच्चे रहते हैं उनको हम लोग बीपीएल रेट पर खाद्यान्न उपलब्ध कराए, बीपीएल रेट जो रेट पर अभी मिल रहा उस पर नहीं, बीपीएल रेट पर वो देने की बात कर रहे थे। फिर हम लोगों ने कहा कि चलिए जो भी बीपीएल रेट पर दे रहे हैं हम तो मुफ्त में दे रहे, जिस रेट पर भी अनाज दे और मुफ्त में अनाज प्रति छात्र या छात्रा 15 किलो का अनाज हम लोग पोस्टल में पहुंचा देंगे, 9 किलो चावल, 6 किलो गेहूं, ताकि उनको अनाज खरीदने के लिए बाजार का चक्कर नहीं लगाना पड़े और उनको इतना पैसा दे दिया जाएगा कि फिर जो खाना बनेगा हॉस्टल में वो प्रेम से भोजन करेगा और उसको किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। इसलिए इस दो चीज को ध्यान में रख करके कि छात्रावास में रह रहा तो पढ़े और ध्यान उसका पढ़ाई में होना चाहिए, इन चीजों में वो उलझे नहीं, इसलिए हम लोगों ने इस स्कीम की शुरुआत की है। और हर प्रकार के चाहे अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़े वर्ग हो, अत्यंत पिछड़े वर्ग हो, अल्पसंख्यक समाज के हो, उनके जो छात्रावासी हैं सब लोगों को ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और इसके लिए स्कीम बना दी गई है और किस तरह से उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा सबका रजिस्ट्रेशन करा के, उसका वेरिफिकेशन करा के ये लड़के छात्रावास में रह रहे हैं और पढ़ रहे हैं उनको ये सब स्कीम का लाभ मिल जाएगा। और हॉस्टल में जाकर अनाज ये कोई पीडीएस के दुकान पर उनको नहीं जाना, आज जो कई वाहनों का आपको फ्लैग ऑफ करवाया यहाँ पर खाद्य आपूर्ति विभाग, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग, तो ये हर एक जिले में इस तरह के वाहन का इंतजाम रखेंगे और सीधे एसएफसी से स्टेट फूड कॉरपोरेशन से अनाज सीधे छात्रावास तक ये पहुंचा देंगे ताकि हमारे छात्र छात्राओं को किसी तरह की कठिनाई न हो, ये काम शुरू कर दिया गया। और दूसरा हम लोगों को ये लगा कि भाई ये लोग वैसे तो कोचिंग का इंतजाम सब कुछ किया गया जिसके बारे में हमारे मंत्रीगण ने इसकी जानकारी भी दी और सबको मालूम भी है, उसका लाभ भी लोग उठा रहे, कोचिंग की सुविधा अल्पसंख्यक हों, अनुसूचित जाति हों, जनजाति हों, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हों, सब लोगों के लिए कोचिंग आदि की भी सुविधा दी जाती है। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने यह सोचा कि अगर हम ऐसे युवाओं की और सहायता करेंगे तो बड़ी संख्या में लोग यूपीएससी और बीपीएससी पास कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे, इसलिए जो प्रारंभिक परीक्षा होती है यूपीएससी की और बीपीएससी की उसको पास कर लेंगे तो जो भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करेगा तो उसको 50,000 रुपये का हम लोग मदद देंगे ताकि वो ठीक से कोचिंग ले और जो भी उसको करना है खूब बढ़िया से पढ़ाई करे और फाइनल एग्जाम भी पास कर सके, इसलिए उसको 50,000 रुपया अनुसूचित जाति जनजाति और
अगर यूपीएससी में उपारंभिक परीक्षा पास करता है तो उसको 1,00,000 रुपए मिलता है। हम लोग करते तो फिर ज्यादा से ज्यादा संख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग के युवा क्वालिफाई करें, कम्पीट करें और वो भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सब बनेंगे और नीचे भी डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, सब कुछ नीचे क्वालिफाई करेंगे, कम्पीट करेंगे।